कनाडा में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी के मामले में इंदौर पुलिस ने एक दंपत्ति के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। बता दें, पति पत्नी ने 60 से भी अधिक लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर अपना शिकार बनाया और लाखों रुपए की ठगी की वारदात कर फरार हो गए। इंदौर के एमआईजी थाना पुलिस को बड़ी संख्या में पहुँचे फरियादियों ने शिकायत दर्ज कराई कि कनाडा में नौकरी दिलाने के नाम पर एक जालसाज और उसकी पत्नी ने मिलकर उन्हें लाखों रुपए की ठगी का शिकार बनाया है। जब फरियादी कंचन की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी मृदंग और उसकी पत्नी प्रेरणा के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बता दें, पति पत्नी फिल्म बंटी और बबली की तर्ज पर लोगों को नौकरी दिलाने के लिए नए नए झांसे देकर अपना शिकार बनाते हैं। जहां शहर में काम करने वाले छोटे मोटे व्यवसायी, कैब ड्राइवर, ऑटो चालक, इलेक्ट्रीशियन, मिस्त्री, लॉन्ड्री बॉय जैसे लोगों से छोटी छोटी रकम लेकर उन्हें कनाडा में एक बड़ी होटल और अन्य जगहों पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर अपना शिकार बनाते थे। हमारे यहाँ कंचन कुमार पिता रोशन लाल कुमावत करके व्यक्ति हैं, जो कि L68 LIG कॉलोनी में रहते हैं। इन्होंने आकर हमको ये बताया कि जो आरोपी है कृतार्थ पिता स्वर्गीय मेहुल पारगी और प्रेरणा पति कृतार्थ पारगी दोनों ने मिलकर के जो है कनाडा में नौकरी लगाने के माध्यम का वो लेकर के उन्होंने उनके साथ आर्थिक धोखाधड़ी की है। इस पे से 420-406 का प्रकरण कायम किया गया है। इसमें कुल जो धोखाधड़ी है वो है 42,09,600 रुपए की। आरोपी का नौकरी वोकरी दिलाना और इस तरीके की नौटंकियाँ करता है। अभी तो फरार है इस समय यहाँ से, और ये जयपुर में है, वहाँ इसका बताते हैं पेट्रोल पंप भी है। इसमें एक से अधिक शिकायतें हैं, काफ़ी शिकायतें हैं, इसमें मिलना बाकी हैं। 15-16 शिकायतें हैं इसमें। अब टीम जाने वाली है, कल या परसों में हम टीम रवाना करेंगे इसमें। ये जयपुर के पास का है कहीं, इंदौर में बीच में ही रहने आया था और यहाँ होटल श्री माया में रुका था और वहाँ का भी पैसा नहीं दिया इसने और भाग गया था। ये फरियादी का काम यहाँ अपने कंसल्टेंसी का ही काम है उसका, और इस मामले में वो भी छला गया है, इसलिए इसको प्रकरण कायम कराया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में आरोपी की तलाश में जुट चुकी है। बताया जा रहा है कि आरोपी गुजरात फरार हो गए हैं।